Hello everyone, this is Deepika. Welcome to AD Commerce classes. As we have earlier discussed bank overview of banking unit and meaning and functions we have already discussed and some important year of banking regulation banking section we have already discussed. Now today we are going to discuss types of bank. ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बैंक वी हैव टू स्टडी फॉर अवर NTA NET एग्जामिनेशन एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बैंक. ठीक है, फॉर अदर एग्जामिनेशंस आल्सो. ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट आपकी बैंक बनेंगी वो हम डिस्कस करेंगे. फिर पहले तो एक ओवरव्यू है इस पेज में. नेक्स्ट पेज में हम कॉमर्शियल बैंक से धीरे धीरे डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे. फिर वही इंपॉर्टेंट सेक्शंस पे आएंगे. उसके बाद जब सारा कुछ खत्म होगा तब हम प्रीवियस ईयर करेंगे. ठीक है, और एक रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैंने 200 प्लस वीडियोस अपलोड कर दिए हैं. अब तक उतना अच्छा रिस्पांस नहीं हुआ है ना जितना होना चाहिए था. ठीक है, सो नंबर वन कॉमर्शियल बैंक. देखो, कॉमर्शियल बैंक या कॉमर्शियल बैंक को हम डिपॉजिट बैंक भी बोलते हैं. कॉमर्शियल बैंक्स आजकल जितनी भी हमारी बैंकें हैं जहाँ पे हम डिपॉजिट करते हैं, मतलब लैंडिंग एंड रिसीविंग का जो भी प्रोसेस हम कर रहे हैं आजकल अपनी बैंक्स में, वो सारी हमारी क्या है, कॉमर्शियल बैंक है. ठीक है, कॉमर्शियल बैंक बेसिकली क्या करती हैं, डिपॉजिट को रिसीव करती हैं, लोन देती हैं और फाइनेंस करती हैं. ठीक है, फाइनेंस क्या करती हैं, फाइनेंस व्यापार के लिए करती हैं. किसके व्यापार के लिए, के व्यापार के लिए, मतलब फाइनेंस कंट्री के व्यापार के लिए करती हैं या फिर फाइनेंस ट्रेड के लिए करते हैं, कंट्री के ट्रेड के लिए. ठीक है, और उनका ऑब्जेक्टिव या मोटो हम कह सकते हैं क्या होता है, प्रॉफिट कमाना या लाभ कमाना होता है. ठीक है, और बेसिकली कॉमर्शियल बैंक्स हमारी क्या करती हैं, कॉमर्शियल बैंक हमें शॉर्ट टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करती हैं. ठीक है, या फिर मनी प्रोवाइड करती हैं शॉर्ट पीरियड के लिए. ठीक, तो ये सारे फीचर्स हुए हमारे कॉमर्शियल बैंक के. वही चीज़ यहाँ पे, वही जो मैंने बोला वही सब यहाँ लिख के रखा है. मेनली कंसिस्ट ऑफ रिसीविंग डिपॉजिट, रिसीव करती हैं डिपॉजिट को, लोन देती हैं, फाइनेंस करती हैं ट्रेड को, किसके ट्रेड को, कंट्री के ट्रेड को. ऑब्जेक्टिव या मोटो इनका होता है प्रॉफिट कमाना. ठीक है, दे प्रोवाइड शॉर्ट टर्म क्रेडिट, ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करती हैं, मतलब कि मनी देती हैं शॉर्ट पीरियड के लिए. ठीक है, नाउ इंडस्ट्रियल बैंक और इन्वेस्टमेंट बैंक क्या होती हैं. देखो, इंडस्ट्रियल बैंक्स और इन्वेस्टमेंट बैंक बेसिकली एडवांस करती हैं लॉन्ग टर्म लोन. किसको एडवांस करती हैं लॉन्ग टर्म लोन, इंडस्ट्रीज़ को. इंडस्ट्रीज़ को किस पर्पज़ के लिए एडवांस करती हैं, कि वो कैपिटल एसेट्स में इन्वेस्ट करें, है ना. वही चीज़ मैंने लिख के रखी है कि पोजीशन टू एडवांस लॉन्ग टर्म लोन टू द इंडस्ट्रीज, मतलब लॉन्ग टर्म लोन. अब आपके NTA नेट में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया इंडस्ट्रियल बैंक या इन्वेस्टमेंट बैंक कैसा, किस पर्पज़ के लिए देती हैं, तो आपको पता होगा कि भैया ये लॉन्ग टर्म, किस टर्म, कौन सा टर्म लोन देती हैं, तो लॉन्ग टर्म देती हैं. शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म देती हैं. ठीक है, किसको देती हैं, इंडस्ट्रीज़ को, क्योंकि एज अ वर्ड डिफाइन इटसेल्फ की इंडस्ट्रियल है, तो इंडस्ट्रीज़ को दे रही हैं. ठीक है, क्यों देती हैं, कैपिटल एसेट्स में इन्वेस्ट करने के लिए. ठीक है, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ है, इन इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट सेटअप, एंड इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो कि हमारी RBI है, उसने सेटअप किया IFCI बेसिकली इंडस्ट्रियल फिनांस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये सेटअप हुई थी 1948 में, और IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंकिंग ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये बेसिकली सेटअप हुई थी या एस्टैब्लिश हुई थी हमारी 1961 में. ठीक है, ठीक, ये बेसिकली क्या करती हैं, ये इंडस्ट्रियल बैंक और इन्वेस्टमेंट बैंक का काम करती हैं. ठीक, फिर जिसमें से ICICI बैंक जो है वो हमारी एपेक्स या टॉप पे होती, टॉप पे है. किस पर्पज़ में, लेंडिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, या टॉप टर्म लेंडिंग इंडस्ट्री इन्हें बोलते हैं. ठीक है, नाउ नंबर थर्ड हम अगर डिस्कस करते हैं, एग्रीकल्चरल और कोऑपरेटिव बैंक. एग्रीकल्चरल और कोऑपरेटिव बैंक हमारी जो सहकारी बैंक्स होती हैं उन्हें हम कोऑपरेटिव बैंक बोलते हैं. ठीक है, लॉन्ग टर्म इसमें क्या होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रोवाइड की जाती है किसके द्वारा, लैंड मॉर्टगेज बैंक के द्वारा लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रोवाइड की जाती है. अब आज के ज़माने में क्या है, लैंड डेवलपमेंट बैंक क्या है, शॉर्ट टर्म लोन्स
भी दिए जा रहे हैं कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा, ठीक है। मतलब ये कहने का है कि नाउ अ डेज, मतलब पहले के टाइम लैंड मॉर्टगेज बैंक कहा जाता था, बट आज के टाइम जो लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रोवाइड कर रही हैं उन्हें हम लैंड डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं, ठीक है। और जो शॉर्ट टर्म प्रोवाइड कर रही हैं सहकारी, वो हमारी कोऑपरेटिव बैंक है। तो डिस्टिंक्शन दोनों में क्लियर हो गया होगा कि भाई जो लॉन्ग टर्म प्रोवाइड कर रही हैं वो लैंड डेवलपमेंट बैंक है, पहले उन्हें लैंड मॉर्टगेज बैंक बोलते थे, अब जो शॉर्ट टर्म हमारी प्रोवाइड कर रही हैं वो कोऑपरेटिव बैंक या सहकारी बैंक है, ठीक है। अब ना एक्सचेंज बैंक कौन सी है, मेन फंक्शन क्या होता है एक्सचेंज बैंक का, कि भाई डिस्काउंट करना, एक्सेप्ट करना, कलेक्ट करना, क्या कलेक्ट करना, फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज या कुछ भी डिस्काउंट, फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करना, कलेक्ट करना, डिस्काउंट करना। एक्सचेंज इज अ वर्ड डिफाइंड इटसेल्फ कि ये भाई व्यापार में जो भी डिस्काउंट है या उसे एक्सचेंज कर रही हैं, ठीक, या कलेक्ट कर रही हैं, एक्सेप्ट कर रही हैं, ये सारे फंक्शंस हमारे एक्सचेंज बैंक में आते हैं, ठीक है। अब देखो सेविंग बैंक क्या होती है, सेविंग बैंक बेसिकली हम सबको पता है कि भाई पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक है, स्मॉल सेविंग के लिए, छोटी छोटी सेविंग्स के लिए जो हम खुलवाते हैं वो पोस्ट ऑफिस में खुलवाया जाता है, बेसिकली 500 रुपये हर महीने या इस टाइप से, जो भी आप मतलब जैसे भी स्कीम हो, तो इसे हम माइक्रो फाइनेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए करना हो, है ना, ज़्यादा आपको हैवी अमाउंट में करना हो, लार्ज सेविंग्स करनी हो, तो आप बेसिकली बैंक में अपना अकाउंट खुलवाते हो, है ना। अब देखो हमारी जो सेंट्रल बैंक्स होती हैं, सेंट्रल बैंक है वो बेसिकली RBI है, एपेक्स एजेंसी है ना, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक। सेवेंथ हमारी है कम्युनिटी डेवलपमेंट बैंक, कम्युनिटी डेवलपमेंट बैंक बेसिकली हमारी रिटेल बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब अगर बात करें ऑफशोर बैंक्स जो हमारी हैं वो इंटरनेशनल बैंकिंग लाइसेंस प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है। इथिकल बैंक्स जो हैं हमारी वो सोशल हैं, अल्टरनेटिव हैं, सिविक हैं और सस्टेनेबल बैंक हैं और फेयर ट्रेड मूवमेंट है, ठीक। कम्युनिटी बैंक हैं नंबर 10th में, ठीक। ये बेसिकली एक ओवरव्यू है इतना कि आज हमने इतना इतना डिस्कस किया। इसके बाद नेक्स्ट वाली वीडियो में हम कॉमर्शियल बैंक अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि कॉमर्शियल बैंक भी शायद आपको 2 वीडियो में ही मिल पाए, क्योंकि एक वीडियो में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कॉमर्शियल बैंक बहुत बड़ा है। देन RBI सेंट्रल बैंक हम डिस्कस करेंगे, ऐसे ही पूरी सीरीज़ को कवर करेंगे। सो इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।